मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत स्मार्ट सिटी की योजना के अंतर्गत इसे लाया जाएगा। शनिवार को न्यू न्यूज से हुई खास बातचीत में मथुरा वृंदावन नगर निगम के नगर आयुक्त अनुनय झा ने कहा कि मथुरा वृंदावन को बेहतर, स्वच्छ, सुंदर, हरा भरा बनाने के लिए प्लानिंग की जा रही है। शहर को स्वच्छ बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जल भराव की समस्या व समाधान कराया जा रहा है और महानगर वासियों को एक बेहतर व्यवस्था दी जाएगी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मथुरा वृंदावन नगर निगम के नगर आयुक्त अनुनय झा साहब, जो कि अभी हाल ही में तमाम व्यवस्थाओं के द्वारा उनका निरीक्षण किया गया है। सर, हाल ही में अभी कोविड के दौरान भी आपकी काफ़ी एक्टिवनेस देखी गई है, तो शहर की व्यवस्थाओं को ओवरऑल अभी किस तरह का प्लान किया जा रहा है कि मथुरा वृंदावन नगर वासियों को एक बेहतर व्यवस्था दी जाए? जी, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड लहर ने हमें बहुत सारी चीज़ों से अवगत भी करवाया है कि साफ सफाई, सैनिटेशन की कितनी आवश्यकता है। इसी के क्रम में जो शासन के निर्देश भी थे कि नालों की सफाई कराई जाए 15 जून तक, तो लगभग 111 नालों में से 107 नालों की सफाई हो गई है और इस पर अभी निरंतर कार्य किया जा रहा है। ये सिर्फ साल में एक महीना न करते हुए हमें लगातार इस सफाई को कंटिन्यू रखना है, तो इसकी भी एक कार्ययोजना सफाई की इससे चली जा रही है। हमारी डोर टू डोर कलेक्शन की भी गाड़ियाँ हैं, हमारे सफाई कर्मचारी भी लगे हुए हैं जहाँ पे ये कार्य हो रहा है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक जो बन रहा है मसानी में जी, 30 MLD की, जिसमें क्षमता वृद्धि हो रही है, वो कोविड के कारण उसमें थोड़ा सा विलंब हुआ है, तो ये 31 अक्टूबर तक इसमें संभावित है कि ये पूरा STP का काम हो जाएगा, जिसकी वजह से जितनी भी मथुरा की सीवेज है उसका ट्रीटमेंट प्लांट्स के माध्यम से होगा। इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे ग्रामीण अंचल जो आए हैं नगर निगम के क्षेत्र में, 2017 में भी आए, 2019 में भी आए, उन सब में जो मूलभूत आवश्यकताएं देनी थी हमें, जैसे रोड, नाली, पानी, इनमें हम कार्य कर रहे हैं। तो अभी भी कल हमारी 15वें वित्त की बैठक जो हुई थी जी, इसमें लगभग आपको 20 से 25 करोड़ की योजनाएँ नाली और रोडों की बनाई जा रही हैं उन क्षेत्रों में जहाँ पर ये कच्चे नाले थे। माननीय महापौर के निर्देश अनुसार इसमें ये कार्रवाई की जा रही है। सर, शहर की एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम है कि बारिश के बाद में जल भराव की स्थिति पैदा होती है, तो ऐसे में क्या कोई नया प्लान आप देंगे शहर को कि जैसे जल भराव नहीं हो? इसमें ऐसा है कि नालियों की सफाई से, आपने जब लास्ट टाइम बारिश हुई थी तब देखा होगा कि होली गेट पे पानी बिल्कुल नहीं भरा, 10 मिनट में पानी निकल गया, तो नाले की वहाँ पे अच्छे से सफाई हुई थी। नए बस स्टैंड पे जो समस्या हुई थी वो लगभग 2 से 2.5 घंटे पानी वहाँ पे जमा रहा, जो कि पूर्व में बताया जाता है कि 4 से 5 घंटे रहता था, तो समस्या उसका कम हुआ जी। जब हमने और इस स्थिति का निरीक्षण किया तो देखा हमने कि 3 पंप वहाँ पे काम कर सकते थे नए बस स्टैंड पे पंप सेट में, जिसमें एक हालत ख़राब थी, मतलब वो पंप काम नहीं कर रहा था, तो उस पंप को फिर हमने ठीक करवा दिया, तो वो पंप भी काम कर रहा है। भूतेश्वर पे जो पानी की समस्या होती है, जल भरा की समस्या होती है, उसके लिए हमने एक 30 लाख का एक प्रोजेक्ट हमने बनाया हुआ है, जिसमें भूतेश्वर से वो पानी उठ के आपको जनस्थान के पास जो नाला है वहाँ पे डायरेक्टली उस पानी को ले जाया जाएगा अगेंस्ट द ग्रेविटी फ्लो, तो पंप के माध्यम से उसको लिया जाएगा। तो 30 लाख की वो हमारी परियोजना भी कल हमारे 15वें वित्त की अवस्थापना निधि में उसमें उसको हमने कर लिया है। आखिरी जो समस्या यहाँ की है, जो आप लोग भी देखते हैं, आप लोग भी अवगत हैं कि यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है, जल की बहुत समस्या है। तो वैसे तो हमारे पास 31 टैंकर्स हैं जिससे हम ये पानी की जलापूर्ति करते हैं, लेकिन हमारे पास ट्रैक्टर्स की कमी थी, वो भी हमने पूरी कर ली है। कल हमने मीटिंग में 4 ट्रैक्टर्स और ले लिए हैं। जहाँ जहाँ पानी का कनेक्शन नहीं हो पाया है नलकूपों से, वहाँ पर कनेक्शन कराया जा रहा है और वार्डों में इंटर कनेक्शन भी कराया जा रहा है कि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से नलकूप जुड़ा रहे, ताकि कहीं पे भी नलकूप अगर फेल होता है या अगर उसका ट्रांसफार्मर फेल होता है तो वहाँ पे जलापूर्ति बाधित के दौरान। सर, लगातार आपकी निरीक्षण हो रहे हैं शहर में और नालों के निरीक्षण भी हमने देखा है कि लगातार आप कर रहे हैं, अभी तक ओवरऑल कितनी स्थिति है आपके निरीक्षण में कि अभी बहुत सारे नाले ऐसे हैं जिनकी सफाई होनी है और खुले हुए पड़े हैं? जी, जैसा मैंने आपको बताया, 107 नाले तो हमने सफाई कर लिए हैं, 4 नाले बचे हैं जो कि 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। जहाँ तक खुले नाले की बात है, जो मुझे बताया गया कि लगभग शहर के अधिकतम नालों के कवर्ड होने की सूचना मुझे मिली है, लेकिन ऐसे काफ़ी जगह हैं जहाँ पे अभी भी कवर्ड नहीं है। जी जी, मैंने एक रणनीति ये बनाई थी, मैंने माननीय महापौर महोदय से भी ये डिस्कस करके ये रणनीति बनाई है कि हमने 3 प्रॉब्लम एरियाज आइडेंटिफाई किए, 1 जहाँ जल भरा होता है, 2 जहाँ नाला और रोड समतल है सेम लेवल पर, और 3 जहाँ पर कट्स हैं। तो जहाँ पर भी कहीं पे भी कट हो जो रोड और नाला साथ में हो, और अगर वहाँ जल भराव की स्थिति हो, तो वहाँ पे हमने चेतावनी के साइन, ऐसे हमने 54 जगह देखे हैं जहाँ पे चेतावनी का साइन लगना है कि दुर्घटना संभावित क्षेत्र है वो,
और वहाँ पे एक राइजिंग वॉल, जैसे अगर आप देखेंगे कि कोई भी कट हो रहा है तो हमारे पास एक 3 फीट का हम राइजिंग वॉल बना रहे हैं, ताकि अगर जल भराव भी हो तो कम से कम पता रहे कि नाला कहाँ है और रोड कहाँ है। तो ऐसे 22 जगह हमने निर्धारित किए हैं जहाँ पे ये राइजिंग वॉल्स बने और 54 जगह वो चेतावनी के साइन। सर, रिसेंटली एक आदेश भी सरकार का आया है कि खुले में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू जो महानगर हैं, नगर निगम है, उनमें बेचने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो अपने यहाँ ये पॉलिसी कब से लागू होगी और आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें हमने वो शासनादेश का परीक्षण के लिए संबंधित अधिकारी को कहा है जी, और मेयर साहब के साथ हमारी जो आगामी बैठक होने वाली है उसमें हम डिस्कस करके स्वच्छता को लेकर क्या कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों? स्वच्छता से मेरी यही आप लोगों से अपील है, आपके माध्यम से पूरे मथुरा की जनता से यही मेरी अपील है कि जो भी हम सफाई करते हैं वो सिर्फ नगर निगम या सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। स्वच्छता हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को और अपने आसपास की जगह को स्वच्छ रखे। हम देखते हैं कि नालियों में कूड़ा लोग डायरेक्टली डाल देते हैं, नालियों को पाट देते हैं, जहाँ पे भी ढलाव घर है वहाँ पे नहीं डाल के कहीं अलग जगह फेंक देते हैं। तो अगर आप मथुरा के देवभूमि के अगर आप एक आदर्श नागरिक बनना चाहते हैं तो साफ सफाई अपनी जिम्मेदारी अपने लें और फिर सरकार भी पूरा प्रयास करिए कि वो स्वच्छता को बनाए रखे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। इस हमारे साथ रहे मथुरा वृंदावन नगर निगम के नगर आयुक्त अनुनय झा साहब, जिन्होंने शहर की व्यवस्था की जानकारी दी, साथ ही साथ लोगों से ये भी कहा कि शहर की स्वच्छता बनाए रखना हम सबकी मौलिक जिम्मेदारी है। एक आदर्श नागरिक के रूप में हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना चाहिए। न्यूज कैमरा पर्सन संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।